ये भाई मेरी टाटा नेक्सॉन कार है। इसमें मैंने 3D बर्ड व्यू कैमरा फिट करवाया है। ये पीछे का कैमरा है। टोटल इसमें 4 कैमरे लगते हैं। ये साइड मिरर के नीचे एक राइट साइड का कैमरा, लेफ्ट साइड का कैमरा हो गया। फिर इधर जो है तीसरा कैमरा सबसे आगे लगाया हुआ है बोनेट के नीचे। और ये चौथा कैमरा जो है राइट साइड मिरर के नीचे फिट करवाया हुआ है। इसके लिए मिरर को खोलवाना पड़ता है और नीचे से ड्रिल करके वो कैमरे को फिट कर देता है। तो चलिए इसकी एक बार सैर कर लेते हैं। ये स्क्रीन पर डिस्प्ले में कुछ ऐसा दिखता है। साइड में गाड़ियां एकदम साफ दिखती हैं। राइट साइड में देख रहे हैं डिस्प्ले में फ्रंट व्यू है और लेफ्ट साइड में जो है वो बर्ड व्यू दिखा रहा है। इसमें एक सॉफ्टवेयर बॉक्स रहता है इसके नीचे जो फिट किया हुआ है मैंने स्टीयरिंग के नीचे में, जिसमें चारों कैमरे के व्यू को एक साथ कंबाइन कर देता है। यहाँ आप देख लेते हैं कि कभी कभी जो है भीड़ में काफ़ी कंजेस्टेड एरिया हो जाता है, तो साइड व्यू ये सारे चारों कैमरे से मालूम चल जाता है कि कोई गाड़ी अपन गाड़ी के टच तो नहीं कर रही है। इस तरह से हम लोग जो है एक संकरे रास्ते से भी बड़े आराम से इस तरह से निकल सकते हैं। ये देख लो आगे गाड़ी लगी है, बगल में से भी गाड़ी जा रही है, सामने के कैमरे में भी एक आदमी उतर गया है। और चलिए ठीक है अब चल पड़ते हैं भाई। तो यहाँ हम जो है लेफ्ट साइड में आसानी से देख पा रहे हैं कि बगल में से कौन जा रहा है, पीछे कौन है, आगे कौन है, सब दिख रहा है एक साथ। ये भाई ऑटो वाले, चलो भैया बाइक वाले, चलो मोड़ लेते हैं यहाँ से हम गाड़ी को। चलो भाई ये देखिए साइड में साफ साफ दिखे बकरी वाले भैया, जल्दी आगे बढ़िए भैया, चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलो भैया, चलो बाइक आगे बढ़ो। तो यहाँ से मोड़ लेते हैं अपन, ये लो। तो ये देख रहे हो साइड में सब जो है निकल रहे हैं, सब दिख रहा है इसमें। और सामने का व्यू भी बड़ी आराम से दिख रहा है। और हाँ एक बात और है, इसमें एक पेन ड्राइव 8 GB का मिला है जो उसमें रेगुलर इसकी रिकॉर्डिंग करता रहता है, लूप करके भर जाता है, फिर से लूप करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। और ज़्यादा GB की कैमरा ये लगा लो मेमोरी कार्ड तो और ज़्यादा। देखो साइड व्यू में एक कार जा रही है बगल में से, ये देखो ये साइड व्यू अभी ऑन हो गया था भाई। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।